the Pakistani bros reactions to kaise hain aap sab umeed hai ki aap sab umeed se fit honge ekdam tujhe pata laga maine umeed hai ki aap sab umeed se honge तो उम्मीद है आप लोग यार एकदम बेस्ट होंगे एग्जैक्टली अबे हमने गांजा तो नहीं पूंगा पता नहीं क्या किया हमने चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोस मिल सके और आज एक बहुत ही बड़ी खबर है सीरियसली बोल रहे हैं बहुत बड़ी टॉप एंड है तो अच्छा आज मैं बताता हूँ तो वो खबर बताएं आज क्यों बताएं हाँ ओके ओके तो यार अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें और हमारा इंस्टा की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है तो लाजमी उनको चेकआउट कर लेना और हमें वहाँ पे कोई लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं exactly. और बैकअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो देख लेना तो अब आते हैं इंटर पे मैं हूँ बशीर और ये है वजहत और जो टाइटल है वो है कि भाई इसराइल ने ऑर्डर मतलब दोस्ती निभा दी है एक किस्म के उन्होंने भाई क्या दे रहा है इंडिया को मतलब वो वेपन दे रहा है जो इसराइल ने आज तक अमेरिका तक को नहीं दिए हाँ और लिख क्या वो वहाँ पे पढ़ मतलब के फायरफ्लाई स्पाइक स्पाइस थाउजेंड एंड एक और है कुछ और भी तो ये वाले वेपन्स हैं मतलब उसने अमेरिका तक को नहीं दिया और उसने इंडिया को ऑफर कर दिए तो जल्दी से देखते हैं काउंटडाउन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको हिंदी नॉलेज दोस्तों गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत की अगर एक देश कोई था जिसने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर मदद की वो था इजराइल और इतना ही नहीं गलवान घाटी का संकट जैसे जैसे टलता जा रहा है उसके बाद भारत ये चाहता है कि भविष्य में ऐसे कोई संकट का सामना वो ना करे तो तैयार हो रहा है तो ऐसे में भी इजराइल भारत की मदद कर रहा है और उसने ऐसे ऐसे हथियारों का भंडार भारत के लिए खोल दिया है जिसे इजराइल के अलावा किसी को वो मतलब कि अपने अलावा किसी को इस्तेमाल करने को देता नहीं है इवन अमेरिका भी जी हाँ और बढ़ चढ़कर भारत की मदद की जा रही है और वो भी इमरजेंसी हथियार सप्लाई भारत को किया जा रहा है और मैं आप सभी को वो लिस्ट देने वाला हूँ जो जो हथियार भारत को अब भारत खरीदने वाला है एक तरीके से इसराइल से और साथ में इस वीडियो के एंड में हम उस चीज पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या भारत जो हथियार इस समय खरीद रहा है वो कितना सही है या फिर भारत को अपने हथियार बनाना और तेज कर देना चाहिए तो दोनों में क्या सही है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन आज आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है तो चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों जितने भी हथियार इस समय इजराइल से भारत खरीदने वाला है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फायरफ्लाई लोएटरिंग म्यूनिशन की देखने में आप देखिए बिल्कुल बहुत छोटा साइज है इसका 3 kg इसका वजन है लेकिन ये छोटा पैक और बहुत ही बड़ा धमाका है खासकर कि गलवान वैली जैसी अगर हिंसा होती है तो ये चीनियों की पूरी पलटन साफ कर देगा जी हाँ दरअसल इसका काम क्या होता है ये एक आत्मघाती ड्रोन है मतलब ये बहुत ही छोटा साइज है 3 kg लेकिन इसमें बम लगे होते हैं नीचे फ्रेगमेंट लगे होते हैं अगर इसे कहीं दिखता है मतलब कि इसमें नाइट विजन भी लगे हुए थे अगर रात के समय भी जैसे कि गलवान घाटी की हिंसा हुई है तो कमांडर मतलब कि अपने बेस से कह सकता है कि इस फायरफ्लाई को भेज दीजिए ये तुरंत जाएगा और पूरी की पूरी पलटन के ऊपर गिर जाएगा और सभी को वहीं पर समाप्त कर देगा सभी को खत्म कर देगा यानी आत्मघाती यानी कि पहले देखेगा कहाँ पर है और फिर उनके ऊपर पूरी तरीके से गिर जाएगा और बम बरसेंगे आसमान से जी आत्मघाती बम इसे इसलिए बहुत खास बनाया गया इसमें कैमरा लगे हुए यानी कि दूर बैठे मतलब कि करीबन 1 किलोमीटर दूर बैठे लोग इस पर इससे निगरानी कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं तो ये काफी बड़ी एक बात है और भारत इसे काफी बड़ी संख्या में लेने वाला है इसकी रेंज 1 किलोमीटर ही लेकिन काफी अच्छे से माना जाता है इजरायली इसे इस्तेमाल करता है जो हमास के लड़ाके होते हैं जो मतलब उनके लिए बिल्डिंग में छुपे होते हैं इसके अलावा बाहर जब छोटी छोटी गलियों में होते हैं ना उनके ऊपर बम बरसाए जाते हैं इसके जरिए ही दूसरी बात दूसरा जो हथियार भारत खरीदने वाला है इसराइल से वो है स्पाइस 2000 बम भारत इसे पहले भी खरीद चुका है लेकिन अब इसे और ज्यादा संख्या में खरीदा जा रहा है अपने फाइटर जेट्स के लिए तीसरा जो हथियार है वो है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल जी हाँ ये क्योंकि हमारे पास एंटी टैंक लॉन्चर है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मिसाइलें खरीदे जा रही हैं इसके अलावा करीबन 15 से 20 लॉन्चर भी नए खरीदे जा रहे हैं यानी कि अगर चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डर रहे कि भारत के पास लॉन्चर है और ये इतने छोटे हैं कि लॉन्चर इतने अच्छे और इतने छोटे हैं कि इन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर एक टैंक को दोस्त आसानी से कर सकता है और इनके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा हथियार इस समय भारत खरीदने वाला है इसराइल से वो है हेरोन ड्रोन जी हाँ हेरोन बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है और कहा जा रहा है कि भारत इसका आर्म्ड वर्जन यानी कि जिसमें मिसाइलें लगी होंगी ऐसा वर्जन खरीदने वाला है और इसके अलावा भारत का हालांकि प्लान है कि वो एक नए तरीके का हालांकि वो थोड़ा महंगा होगा हेरोन से और उसकी डिलीवरी थोड़ी लेट होगी
प्रीडेटर ड्रोन जो हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, उसके बारे में हम कभी हम फिर बात करेंगे। हेरोन ड्रोन को खरीदने की योजना भारत की काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी में अटकी पड़ी थी, लेकिन अब इसे बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक रूट के जरिए मंगाया जाएगा, जिससे कि चीन की जो सीमा है, क्योंकि आप जानिए बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर सैनिक पेट्रोल नहीं कर सकते, इसके जरिए पेट्रोलिंग भी हो सकेगी। और साथ ही जब इसका आर्म वर्जन होगा, अगर कोई मतलब कि ऐसी गतिविधि देखता है भारत, तो चीन को ये डर भी रहेगा कि भारत के पास ड्रोन है, वो उनसे फायर भी कर सकता है, यानी कि उनके मन में थोड़ी जब वो डर भी रहेगा जब वो ऐसी योजना बनाएंगे भारत की सीमा में घुसपैठ करने की। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि भारत हाल ही के कुछ एक डेढ़ महीने में देखा गया कि बहुत ज्यादा हथियार खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है, क्या भारत सही कर रहा है या फिर भारत को तेजी से अपने हथियारों के मतलब की विकास में लग जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत आजादी के बाद से ही अपने खुद के हथियार बनाने में काफी पीछे रहा, यहाँ तक कि हमने तेजस जो लड़ाकू विमान है वो 40 साल में तैयार किया, जबकि वो अब से करीबन 15 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था और सेना में शामिल हो जाना चाहिए था, और ये हथियारों के निर्माण में हम पीछे रहे हैं। तो इसमें ना रूस की गलती है, ना अमेरिका की गलती है, ना इजराइल की गलती है, हमने खुद ने इसमें इतना हथियारों के निर्माण में ना तो पैसा लगाया। देखिए इकोनॉमी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी भी तभी बढ़ती है, कोई इन्वेस्टर आपके देश में तभी पैसा लगाता है, अपनी फैक्ट्रियां तभी लगाता है जब वो देखता है कि ये देश कितना स्टेबल है और कितना सुरक्षित है। रही बात स्टेबल, तो हमारा देश पिछले 22 सालों से काफी ज्यादा रहा है, और तभी से हमने देखा है कि हम हथियार निर्माण में धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने नई नई मिसाइलें बनाई हैं और हमने परमाणु बम भी बनाया है, तो 20-25 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी हम स्टेबल रहेंगे। तो इसलिए भारत को फिलहाल इमरजेंसी का समय है, चीन से हमारा हमें नहीं पता कि युद्ध हो या ना हो, तो इसलिए हमें तैयार तो फिलहाल रहना पड़ेगा। और रही बात हथियार निर्माणों के काम में भी भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, यानी कि भारत को अभी ये नहीं देखना होगा कि हम जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तभी हम हथियार निर्माण में लगेंगे, क्योंकि चीन का विकास बहुत तेजी से आगे हो रहा है, चीन अपने हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है, भारत को उससे आगे निकलना है, हमें चीन से मुकाबला नहीं करना, हमें उससे आगे निकलना है, तो हमें हथियार बहुत बेहतर बनाने होंगे अगले 10 सालों में, हमारे पास 10 साल का समय है। इसके अलावा इन 10 सालों की सुरक्षा के लिए हमें हथियार भी खरीदने होंगे। इसके अलावा इसके आप पर आपका क्या इंडिया मतलब खुद हथियार बनाने में काफी पीछे है, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्ट करता है, तो अगर ये चीजें ये खुद बनाएगा ना तो इनका पैसा कम लगेगा, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और इनका पैसा भी कम लगेगा, और वो उसका जिस तरह है चीज भी फिट बन जाएगा। तो ये वाली बात एक देखनी चाहिए। और अभी ये मतलब जो इसराइल वैसे ऐसे वेपन दे रहा है जो मतलब दूसरी किसी कंट्री को वो नहीं देता, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। पहले वो गन है जो मतलब सॉरी वो जो कंट्रोल करके 1 किलोमीटर दूर से जो बम एक किस्म का ड्रोन वाला बम प्लेटून वगैरह तुम उड़ा सकते हो, एक एंटी टैंक मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर जो है, और एक वो दूसरा अच्छा हो जाता ड्रोन है। लास्ट में मेन चीज जो ड्रोन इसराइल की है ना, दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स में, ड्रोन्स के मामले में दुनिया में सबसे जबरदस्त जो मुल्क समझा जाता है वो इसराइल है, क्योंकि ड्रोन ऐसे बनाते हो। अब देख ले इसमें एक वो वेपन्स वाला था, एक सिंपल था, ये वेपन्स वाले निगरानी भी करेंगे, और वो अगर पंगा लेता है तो चैनल तो जाहिर बात है, तो यार मतलब टक्कर का आगे देश है उसके कंट्री है, इंडिया का, मतलब दोनों टक्कर के कंट्री हैं, तो जाहिर बात है अपग्रेड करना पड़ेगा बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये एंटी टैंक मिसाइल्स भी ना ये चाइना के लिए खास तौर पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा और क्षमता इसकी इतनी है कि डायरेक्ट जाकर अगर उधर हिट करता है ना तो पूरा का पूरा टैंक तबाह हो सकता है, और इसको एक बंदा ऑपरेट कर सकता है सिंपल कंधे पे रख के। तो ये काफी अच्छा है, मुझे सबसे ज्यादा ड्रोन पसंद है मुझे, और वो एक मैं काफी शौक उस चीज पे हूँ जो मतलब पूरी प्लेटून यार वो इंडिया लेगा मतलब किसी भी जंग में उसको इजीली यूज करता है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो जाके पटेगा भाई, अच्छे खासे बंदे उससे मर सकते हैं और घायल भी हो सकते हैं बिल्कुल, मरना अलग घायल अलग। यार आप बताओ आपको मतलब कौन सा वेपन जो है मतलब सबसे दमदार लगा, मतलब जो मतलब आपको ऐसे लगा कि जबरदस्त चीज है ये वाली बिल्कुल। तो और उसका क्या कहते हैं यार, एक और भी था ना स्पाइक्स, हाँ वो जो राफेल पे लगा हुआ था, हाँ वो एक रॉकेट लॉन्च भी ले रहा है बिल्कुल, रॉकेट भी ले रहा है जो जहाज के साथ में भी लगे हाँ बिल्कुल। और यार मतलब के अब देख काफी ना मतलब कि इनको अपने आप को एडवांस करना होगा अपने आने वाले 10 सालों में, तो यार जाहिर बात है 10 साल है मतलब अभी शायद ये अपने भी काम वेपन पे, और तेजस तो मतलब 40 साल लग गए हैं, मुझे ये नहीं पता था इतने साल लगे हैं, तो लगे मुझे तो पता था मुझे नहीं पता था कि 40 साल लगे हैं, मतलब काफी टाइम लग गया है। तो
यार आप बताओ आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। सत श्री अकाल।